हेलो वेलकम, आई एम कंचन और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी वेरी इजी एंड क्विक मेकअप। थोड़ा सा फेस्टिवल, थोड़ा सा ट्रेडिशनल लुक देने के लिए मैंने इस मेकअप लुक में रेड कलर को ऐड किया है, लाइक रेड लिपस्टिक, रेड बिंदी, रेड आई शेडो। सारे प्रोडक्ट बहुत ही अफोर्डेबल हैं। सारे प्रोडक्ट का डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दिए हैं, आप चेकआउट कर सकते हो। इस मेकअप के लिए जो मैंने आई लुक क्रिएट किया है रेड कलर, रेड ग्लिटर के साथ, इसे क्रिएट करना बहुत ही इजी है। मैंने सिंपल 3 स्टेप्स के साथ इस आई शेडो लुक को क्रिएट किया है। मैंने रेड कलर का यूज़ किया है, आप किसी और कलर का भी यूज़ कर सकते हो डिफरेंट आई लुक को क्रिएट करने के लिए, डिफरेंट ओकेशन, डिफरेंट मूड के अकॉर्डिंग। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो, आपको अच्छी लगे, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह की और भी वीडियोज़ को देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नेचर तत्व का एलोवेरा जेल मैं यूज़ कर रही हूँ एज अ मॉइस्चराइजर। आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग कोई भी मॉइस्चराइजर ले सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है अपने मेकअप को स्टार्ट करने के लिए। मेरी स्किन ऑयली है, सेंसिटिव है, इसलिए मैं एलोवेरा जेल का यूज़ कर रही हूँ। एलोवेरा जेल एज अ प्राइमर भी वर्क करता है। नेक्स्ट मैं अपने फेस पर नायका का कैरेट सीड फेशियल ऑयल यूज़ करूँगी। इसके बहुत स्किन बेनिफिट है, इसमें विटामिन ई सी है, ये हमारे स्किन के फाउंडेशन को केकी एंड ड्राई होने से प्रिवेंट करता है। एलेगल का ऑरेंज कलर करेक्टर मैं यूज़ करूँगी अपने अंडर आईज डार्क एरियाज़ को हाइड करने के लिए। अगर आपको बहुत डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम नहीं है तो आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हो। कलर करेक्टर यूज़ करके जब भी हम फाउंडेशन एंड कंसीलर अप्लाई करते हैं तो हमारे फेस के जो भी डार्क एरियाज़ होते हैं वो बहुत अच्छे से कवर हो जाते हैं और बहुत ही नेचुरल सा फिनिशिंग आता है। इस तरह टैप टैप करते हुए अपने फिंगर की हेल्प से हमें कलर करेक्टर को अपने फेस के डार्क एरियाज़ पर इस तरह से अप्लाई कर लेना है। देन इसे सेट करने के लिए मैं ब्रश की हेल्प से कॉम्पैक्ट को अपने कलर करेक्टर के ऊपर इस तरह से टैप टैप करते हुए अप्लाई कर लूँगी, जिससे कलर करेक्टर हमारे फेस के ऊपर सेट हो जाएगा। देन हम जब भी कंसीलर और फाउंडेशन अप्लाई करेंगे तो ये उसके साथ मिक्स नहीं होगा। देन मैं अपने फेस पर अप्लाई करूँगी फाउंडेशन। मैंने वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस फाउंडेशन लिया है, मेरा शेड है गोल्डन बेज। ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस का फाउंडेशन है और इसका फिनिशिंग मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इस तरह से मैं इसे अप्लाई कर लूँगी और वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसे अपने फेस पर स्प्रेड कर लूँगी। फाउंडेशन को हमें अंडर आई एरियाज़ पर अप्लाई नहीं करना है। अंडर आई एरियाज़ को छोड़कर हमें पूरे फेस पर फाउंडेशन को ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अप्लाई कर लेना है टैप टैप करते हुए। इसे हमें अच्छे से ब्लेंड करना है अपने पूरे फेस पर। फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद देन हम अपने फेस पर कंसीलर अप्लाई करेंगे जहाँ जहाँ हमने कलर करेक्टर का यूज़ किया था। कंसीलर के लिए मैंने एलेगल का ही कंसीलर लिया है, प्योर बेज मेरा शेड है। इस तरह से टैप टैप करते हुए फिंगर की हेल्प से हम कंसीलर को अपने फेस पर अप्लाई कर लेंगे। हमें इसे स्मज नहीं करना है, टैप टैप करते हुए अपने फिंगर की हेल्प से ही इसे ब्लेंड करना है। अंडर आई कंसीलर अप्लाई कर लेने के बाद मैं इसे अपने आईलिड पर भी अप्लाई करूँगी। जब भी आप कंसीलर अप्लाई करें तो मेक श्योर इसे आप क्विकली ब्लेंड कर ले। अगर आप इसे क्विकली ब्लेंड नहीं करते हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है इसे ब्लेंड करना, क्योंकि ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। तो इस तरह से मैं इसे अपने अपर लिड पर भी फिंगर की हेल्प से इस तरह से ब्लेंड कर लूँगी। इससे हमारा आई शेडो का कलर बहुत निखर कर आएगा। मैं फिटमी का ही कॉम्पैक्ट लूँगी अपने फेस के सभी कलर करेक्टर, कंसीलर एंड फाउंडेशन को सेट करने के लिए। इस तरह से हमें टैप टैप करते हुए अपने फेस के फाउंडेशन को सेट करना है। हमें इसे फेस पर रब बिल्कुल भी नहीं करना है। इस तरह से टैप टैप करते हुए हम अपने फेस पर पूरे फाउंडेशन को, कलर करेक्टर को, कंसीलर को सेट कर लेंगे। फेस सेट कर लेने के बाद मैं आई शेडो की तरफ जाऊंगी। आई शेडो को शुरू करने के पहले मैं सबसे पहले ट्रांजिशन शेड एज अ ऑरेंज कलर लूँगी। मैंने वेट एंड वाइल्ड का ही आई शेडो पैलेट लिया है, उसमें से मैंने ऑरेंज शेड को चूज़ किया है एज ए ट्रांजिशन कलर। और एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से मैं इसे अपने आई क्रीज पर अप्लाई करूँगी, इस तरह से जिस तरह से मैं अप्लाई कर रही हूँ। हमें ब्रश की हेल्प से कलर को इनर कॉर्नर से आउटर कॉर्नर की तरफ इस तरह से ब्लेंड करना है। मैं 2 to 3 टाइम्स कलर को लूँगी और उसे अच्छे से अपने क्रीज पर आउटर से इनर कॉर्नर की तरफ ब्लेंड करूँगी, जब तक कि मुझे डिज़ायर कलर नहीं मिल जाता।
आई शेडो कलर को आई क्रीज पर प्लेस कर लेने के बाद हमें फ्लफी ब्रश की हेल्प से इसे ब्लेंड करना है अच्छे से आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर की तरफ। इस तरह आई क्रीज पर आई शेडो ब्लेंड कर लेने के बाद हम आई लिड पर कलर को अप्लाई करेंगे। आई लिड पर कलर अप्लाई करने के लिए मैंने रेड कलर लिया है। थोड़ा सा फेस्टिवल, थोड़ा सा ट्रेडिशनल लुक देने के लिए मैंने रेड कलर अपने आई लिड पर अप्लाई किया है। इस तरह से फ्लैट ब्रश की हेल्प से हम आई लिड पर रेड कलर को अप्लाई कर लेंगे। रेड आई शेडो को मैं अपने अंडर क्रीज ही अप्लाई करूंगी। आप देख सकते हैं फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं अंडर क्रीज ही रेड आई शेडो को अप्लाई कर रही हूँ। अगर आई शेडो का कोई भी फॉल आउट आपके फेस पर होता है तो ब्रश और कॉम्पैक्ट की हेल्प से इसे आप बहुत इजीली रिमूव कर सकते हैं। देन मैं स्मजिंग ब्रश की हेल्प से रेड आई शेडो और ऑरेंज आई शेडो को एक दूसरे के साथ स्मज करूंगी जिससे कोई भी हार्ड एजेस नहीं हो। आई शेडो अप्लाई कर लेने के बाद मैं आईलाइनर अप्लाई करूंगी। मैंने लोटस का आईलाइनर लिया है। इस तरह से मैं विंग्स आईलाइनर को अप्लाई करूंगी। विंग्स आईलाइनर के लिए मैं सबसे पहले अपने दोनों आईज पर विंग्स को इस तरह से ड्रॉ करूंगी इक्वली एंड देन मैं आईलाइनर को फिल इन कर लूंगी इस तरह से। दोनों आईज पर आईलाइनर अप्लाई करने के बाद हम अपने आई लिड पर ग्लिटर ऐड करेंगे। मैंने रेड आई शेडो के ऊपर रेड ग्लिटर अप्लाई किया है। ग्लिटर के लिए मैंने स्विस ब्यूटी का ग्लिटर पैलेट लिया है। इस तरह से रेड ग्लिटर को मैं फ्लैट ब्रश की हेल्प से अपने रेड आई शेडो के ऊपर इस तरह से टैप टैप करते हुए अप्लाई कर लूँगी। ग्लिटर को हमें अंडर क्रीज ही अप्लाई करना है इस तरह से जिस तरह से मैं अप्लाई कर रही हूँ। इस तरह से हमें दोनों आईज की आई लिड पर इस तरह से ग्लिटर को अप्लाई कर लेना है। ग्लिटर अप्लाई कर लेने के बाद हमें अपने आईलाइनर को रीटच करना है। इस तरह से दोनों आईज पर आईलाइनर री अप्लाई कर लेने के बाद हम अपने अंडर आईज पर काजल अप्लाई करेंगे। काजल के लिए मैंने लॉरियल का काजल लिया है। काजल अप्लाई कर लेने के बाद हम फ्लैट ब्रश की हेल्प से इसे स्मज करेंगे। स्मज लुक देने के लिए आप चाहे तो किसी भी ब्लैक आई शेडो का यूज़ कर सकते हैं और चाहे तो आप अपने काजल को ही रीअप्लाई करके उसे स्मज कर सकते हैं उसे थिक लुक देने के लिए। काजल अप्लाई कर लेने के बाद मैं अपने आईब्रोज को शेप दूंगी। आईब्रोज को शेप देने के लिए मैंने मेबलिन का आई स्टूडियो जेल का यूज़ किया है जो कलर ब्लैक में है। आप चाहे किसी भी लाइट शेड का भी यूज़ कर सकते हैं अपने आईब्रोज को शेप देने के लिए, बट मैंने हैवी मेकअप किया है इसलिए मैं ब्लैक कलर का यूज़ करूँगी अपने आईब्रो को शेप करने के लिए। मैं अपने नेचुरल आईब्रोज को ही रीफिल करूँगी और इस तरह से मैं अपने दोनों आईब्रोज को शेप दे दूँगी। आईलैशेस के लिए मैंने नायका का आईलैशेस लिया है जो बहुत ही नेचुरल लगता है। आईलैशेस लगा लेने के बाद मैं मस्कारा अप्लाई करूंगी। मैंने मेबलिन का वॉल्यूम मस्कारा लिया है। इस तरह से आईलैशेस लगा लेने के बाद मैं मस्कारा अप्लाई करूंगी जिससे मेरे नेचुरल लैशेज मेरे फॉल्स लैशेज के साथ स्टिक हो जाए और बहुत ही नेचुरल लुक आए। कंटोरिंग के लिए मैं निका की कंटोरिंग पैलेट का यूज़ कर रही हूँ। जहाँ मुझे ज़रूरत है मैं वहाँ पे इसे प्लेस करके ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी नेचुरल फिनिशिंग के लिए। ब्लशर के लिए मैं रेवलॉन का ब्लशर यूज़ करूंगी क्लासिक कोरल। इसे मैं अपने चिक्स पर इस तरह से अप्लाई कर लूंगी। देन मैं अपने अंडर आई लैशेस पर भी मस्कारा को इस तरह से अप्लाई कर लूंगी। अपने फेस पर एक्स्ट्रा ग्लैमर ऐड करने के लिए मैं वेट एंड वाइल्ड का ही हाइलाइटर का यूज़ करूंगी। पहले फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं इसे अपने अंडर आईब्रोज पर इस तरह से अप्लाई कर लूंगी, अपने नोज पर, अपने अपर लिप पर,
इसे अप्लाई करूंगी अपने चिक्स बोन पर अप्लाई करूंगी। लिप कलर अप्लाई करने के पहले मैं सबसे पहले अपने लिप को मॉइस्चराइज करूंगी। मॉइस्चराइज करने के लिए मैंने ऑरिफ्लेम का लिप बाम लिया है। इस तरह से मैं इसे फिंगर की हेल्प से अपने लिप्स पर अप्लाई कर लूंगी। लिपस्टिक के लिए मैंने स्विस ब्यूटी का मैट लिपस्टिक पैलेट का यूज़ किया है। उसमें से मैं इस कलर को अपने लिप्स पर अप्लाई करूंगी। हमारा आईज़ बहुत ही ग्लैमर लग रहा है तो मैं अपने लिप को थोड़ा सा मिनिमम रखना चाहती हूँ अपने लिप कलर को। तो इस तरह से मैं इस लिपस्टिक पैलेट से इस कलर को अपने फ्लैट ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर लूँगी। मेकअप कंप्लीट हो जाने के बाद हम अपने फेस के मेकअप को सेट करने के लिए वेट एंड वाइल्ड के सेटिंग स्प्रे का यूज़ करेंगे। इससे हमारा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहेगा और एक्स्ट्रा ग्लो हमारे फेस पर ऐड हो जाएगा। इस तरह से हम इसे स्प्रे कर लेंगे और थोड़ा सा फेस्टिवल और ट्रेडिशनल टच के लिए मैं इस लुक में बिंदी को ऐड करूँगी। दैट्स इट, ये रहा मेरा कम्प्लीट लुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।